जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एनर्जी ड्रिंक्स से दांतों को होने वाले नुकसान से जुड़ी है। लोगों में एनर्जी ड्रिंक्स की बढ़ती हुई लत हैरान करने वाली है, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक्स इंस्टेंट एनर्जी बढ़ाने की चाह रखने वालों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। वहीं एक रिसर्च में ये दावा किया गया है कि एनर्जी ड्रिंक से हमारे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। इन ड्रिंक्स में आमतौर पर साइट्रिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो साइट्रिक एसिड हमारे दांतों के एनमल को नष्ट कर देता है। ऐसे में एनर्जी ड्रिंक से दांतों को होने वाले नुकसान से खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। अक्सर जिम जाने वाले लोग अपने दिन की शुरुआत एनर्जी ड्रिंक से करते हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई अगर जिम में जाकर कोई वर्कआउट कर रहा है, मसल्स बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो काफी हेल्दी चीजें खाता पीता होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल सुबह एक्टिव होने के लिए जो एनर्जी ड्रिंक पिए जाते हैं उनमें भारी मात्रा में कैफीन होती है और ये कैफीन आपके जिम में की गई सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। हाई कैफीन वाले ये एनर्जी ड्रिंक्स शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक सेहत ही नहीं बल्कि आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचाते हैं? ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि एक नई रिसर्च में ये दावा किया गया है कि एनर्जी ड्रिंक सेहत ही नहीं बल्कि दांतों के लिए भी हानिकारक है। एनर्जी ड्रिंक्स में भी एक हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है, तो उससे जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो हमारी ओरल कैविटी में हाई शुगर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया जो ऑलरेडी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से पीएच कम हो जाता है हमारी ओरल कैविटी का। हमारे दांतों के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम इनामिल कहते हैं, जो कि यूजुअली कैल्शियम का बना होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लो पीएच जो वो एसिडिक नेचर बन जाता है हमारी ओरल कैविटी में, उसकी वजह से वो इनामिल इरोड होने लगता है, वो खराब होने लगता है। एंड ऐसे धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे अगर हम कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन हमें दिखेगा कि हमारे दांतों का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है एंड हमें बहुत ईजिली हमारे दांतों में कीड़ा लग रहा है। चमकते दांत हर किसी की ख्वाहिश होते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों पर दाग पड़ जाते हैं और दांत खराब दिखने लगते हैं। सोडा, कोला और दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स दांतों के लिए नुकसानदायक हैं। इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मिले केमिकल दांतों के इनेमल को खराब कर देते हैं और दांत पीले और कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके अलावा एसिड वाले फूड और ड्रिंक भी दांतों को खराब करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स भी दांतों की बाहरी परत को खराब करते हैं। बेहतर होगा कि आप वर्कआउट के समय एनर्जी ड्रिंक्स की जगह पानी पिएं। चाहे वो ब्राउन शुगर हो, बट अगर हाई कंटेंट ऑफ शुगर है जैसा कि एनर्जी ड्रिंक्स में होता है, तो वो वही सेम इफेक्ट कॉज करेगा। और रही बात शुगर फ्री ड्रिंक्स की, तो उसमें और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ ड्रिंक्स कार्बोनेटेड होते हैं, तो कार्बोनेटेड अगेन माउथ का पीएच कम करते हैं, वो भी सेम इफेक्ट करेंगे। एंड साथ ही साथ इनमें कैफीन का हाई कॉन्टेंट होता है, उसी से हमें एनर्जी का वो ड्राइव मिलता है जब हम उनसे कंज्यूम करते हैं। कैफीन क्या करता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन करता है, और जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे मुंह में सलाइवा भी कम बनता है, हम ड्राई माउथ एक्सपीरियंस करते हैं, और ड्राई माउथ से जो भी कैविटीज हैं वो बहुत एक्सेलरेट हो जाती हैं, बहुत हाई स्पीड से वो हमारे दांत को खराब करती हैं। आजकल विटामिन टेबलेट्स की तरह सब लोग एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं। 18 से 34 साल की उम्र के लोग बड़ी संख्या में एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं। 12 से 17 साल की उम्र के बच्चे भी एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में काफी मात्रा में कैफीन और चीनी होती है, साथ ही इनमें कुछ उत्तेजक पदार्थ भी मौजूद होते हैं, जैसे कि गौराना, टॉरिन और एल कार्निटाइन। ये पदार्थ शरीर में उत्तेजना और एनर्जी बढ़ा देते हैं। अगर आपको एनर्जी ड्रिंक पीना पसंद है तो कोशिश करें कि आप इनका सेवन कम से कम करें और स्पोर्ट्स ड्रिंक को धीरे धीरे पीने के बजाय इन्हें एक बार में ही पी लें, क्योंकि जब आप कोई अम्लीय चीज खाते हैं तो खाने या पीने के बाद आपके मुंह का पीएच सामान्य होने में कम से कम आधा घंटा लगता है। लंबे समय तक अम्लीय पेय पीने से आपके दांत लगातार एसिड में डूबे रहते हैं, जिससे आपके एनमल को नुकसान पहुंचता है।
जब दांतों का एनेमल पतला हो जाता है तो दांत दागदार और फीके दिखने लगते हैं, क्योंकि दांतों के नीचे मौजूद डेंटिन में दांतों का प्राकृतिक रंग ज्यादा चमकने लगता है और ये अंततः एनेमल को इस हद तक नष्ट कर देता है कि आपके दांतों में सड़न होने लगे। सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स नहीं, आई फील कि काफी ऐसे ड्रिंक्स हैं जिससे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं और बहुत रेडिली अवेलेबल है। आई फील अगर इन सब ड्रिंक्स की जगह हम अपने बच्चों को जूसेस देंगे, फ्रेश फ्रूट जूसेस देंगे, तो वो बेटर ऑल्टरनेटिव होगा। एंड जो लोग इस चीज के लिए यूज टू हो जाते हैं तो उन्हें स्लोली ग्रेजुअली दे हैव टू कट डाउन ऑन दैट। एंड वो ये भी कर सकते हैं कि एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद एक सिप ऑफ वाटर ले लें, पानी का एक सिप ले लें, ताकि वो जो शुगर उनके दांतों पे चिपका हुआ है वो वॉश डाउन हो जाए। एक साधारण सॉफ्ट ड्रिंक में करीब 30 मिलीग्राम कैफीन होता है, एक कप कॉफी में करीब 100 मिलीग्राम कैफीन होता है, लेकिन एक एनर्जी ड्रिंक में करीब 300 मिलीग्राम कैफीन होता है। और आजकल युवा दिन में एक या दो नहीं बल्कि चार चार एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिन भर एनर्जी चाहिए। स्टूडेंट्स काफी एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं क्योंकि उन्हें रात भर जाकर पढ़ाई करनी होती है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स पीने से ज्यादा फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। कैफीन की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या होती है, ज्यादा कैलोरी और चीनी होने की वजह से डायबिटीज का खतरा होता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ता है, कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है, वहीं कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और छाती में जकड़न होने लगती है। इसके अलावा नींद नहीं आती और भूख भी नहीं लगती है। स्पेशली लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट मीठा खाने से रोकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम मीठा खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें ये इंश्योर करना है कि हम एक सिप वाटर ले लें या एटलीस्ट रिंस कर लें। और कुछ लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मैंने कोला कोल्ड ड्रिंक लिया है उसके बाद हम ब्रश कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो ज्यादा डैमेजिंग है। क्योंकि जब हम कोला पीते हैं, जैसे मैंने बताया कि ओरल कैविटी का पीएच कम हो जाता है, उस टाइम पे हम ब्रश करेंगे तो हम उस कम पीएच में और फोर्सफुली उस इनामल को इरोड करेंगे। मतलब केमिकल इफेक्ट तो है, मैकेनिकली भी हम उस इनामल को इरोड करेंगे। तो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स बाद, जब तक वो पीएच नॉर्मल नहीं हो जाता, हमें ब्रश नहीं करना है, बट हम रिंस जरूर कर सकते हैं और या हम पानी का एक सिप पी सकते हैं उस टाइम पे। ऐसे में सवाल ये भी है कि एनर्जी ड्रिंक्स का विकल्प क्या हो सकता है? अगर एनर्जी ड्रिंक्स पीना छोड़ दें तो फिर क्या पिए? अगर कैफीन की जरूरत ही है तो ग्रीन टी या कोई हर्बल टी पी सकते हैं, या एक कप चाय कॉफी पी सकते हैं। इसमें इतना कैफीन नहीं होता जो नुकसान करे। नारियल पानी में काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं। कैफीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स न पिए। इन्हें पीने से फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। ऐसे में एनर्जी ड्रिंक से दांतों को होने वाले नुकसान से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे।